बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स के बारे में। साल में एक मरतबा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से टीचर की जॉब्स की अनाउंसमेंट की जाती है, तो 2020 की जो जॉब हैं टीचर की, उनकी अनाउंसमेंट कर दी गई है। जॉब्स की तादाद ही आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, 2305 है। इसके लिए जो आपको तालीम की ज़रूरत होगी वो मास्टर तक है। अगर आप टीचर की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़बरदस्त होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको तफसील के साथ बताने वाला हूँ कौन कौन सी जॉब इस वक्त अवेलेबल है, कितनी कैटेगरी हैं, आपने अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि ऑनलाइन इसकी रजिस्ट्रेशन जारी हो चुकी है। आप आज ही अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मुकम्मल तफसीलात इन जॉब्स के हवाले से इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ्राहम करने वाला हूँ, लिहाजा आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको इन जॉब्स के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जो सबसे पहले आपने काम यह करना है, गूगल को ओपन करना है। यहाँ पे आपने लिखना है पाक मजदूरी। पाक मजदूरी लिखने के बाद आप रिसर्च करेंगे, सबसे पहले नंबर पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है पाक मजदूरी, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सबसे पहले नंबर पे पाक मजदूरी के ऊपर, तो आपके सामने पाक मजदूरी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आपको गवर्नमेंट जॉब का पेज नज़र आ रहा है, यहाँ पे प्राइवेट जॉब का पेज नज़र आ रहा है, तो आपने गवर्नमेंट पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने जितनी भी इस वेबसाइट के ऊपर गवर्नमेंट जॉब पड़ी हुई हैं वो सारी की सारी ओपन हो जाएंगी। तो जो भी आपकी डिग्री के मुताबिक जॉब है आप उसके लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर अभी तक आपने इस वेबसाइट के ऊपर अपनी प्रोफाइल क्रिएट नहीं की तो जल्दी से इस वेबसाइट के ऊपर अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लें। यहाँ पर रजिस्टर्ड के ऊपर आपने क्लिक करना है। एज ए कैंडिडेट अगर आपको मुलाजमत की ज़रूरत है, आपको नौकरी की ज़रूरत है, तो फिर आपने एज ए कैंडिडेट अपने आपको यहाँ पर रजिस्टर करवा लेना है। याद रखिएगा, अगर आपकी प्रोफाइल मुकम्मल होगी तो फिर आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वेबसाइट का विजिट करते हैं जिनको अपनी कंपनी के लिए मुलाजमीन की ज़रूरत होती है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी उनको ज़रूरत होती है। तो अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर अपने मुकम्मल प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरा आपको फ़ायदा ये भी होगा, जो भी इस वेबसाइट के ऊपर मैं अपनी जॉब पोस्ट करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा, तो आप इजीली आप अपनी पसंद की जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तफसील की जानब। इन जॉब्स के बारे में मुकम्मल तफसीलात मैं आपको फ्राहम कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपने जब गवर्नमेंट जॉब के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने तमाम की तमाम गवर्नमेंट जॉब ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन न्यू जॉब 2020, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उन जॉब्स की मुकम्मल तफसीलात आपके सामने ओपन हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी इस पेज को ओपन किया हुआ है, ये आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप मेल हैं तब भी आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप फीमेल हैं तब भी आप इन जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल की वैकेंसीज ज़्यादा हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आप लाजमी तौर पे अप्लाई करें, क्योंकि ये टीचर की जॉब है, साल में एक ही मरतबा इनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन होती है, इनकी अनाउंसमेंट एक ही मरतबा साल के अंदर होती है। ठीक है, तो आपने इस मौके को ज़ाया नहीं करना, आपने लाजमी तौर पे अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पहले बता देता हूँ। कंपनी नेम की बात करें तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से इन जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। इसके बाद एजुकेशन की बात करें तो मास्टर तक इसकी एजुकेशन है, आपके पास अगर मास्टर की डिग्री मौजूद है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बता दिया गया है पब्लिश डेट के बारे में, यहाँ पर 3 तारीख आपको लिखी हुई नज़र आ रही है। दोस्तों इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आखिरी तारीख के बारे में आपको बता दिया गया है, 8 सितंबर इसकी आखिरी तारीख है। 8 सितंबर से पहले पहले आपने अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें 2305 इस वक्त वैकेंसीज मौजूद हैं मुख्तलिफ कैटेगरी की। ये गवर्नमेंट जॉब है, आपको जो सैलरी मिला करेगी वो हुकूमत पाकिस्तान की जानब से मिला करेगी। अब दोस्तों आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको तमाम दर जितनी भी वैकेंसीज मौजूद हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पर लिखी हुई नज़र आ रही है। सबसे पहले नंबर पर अरेबिक टीचर की जॉब अवेलेबल है, इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं 21 वैकेंसीज के अवेलेबल हैं, 8 मेल के लिए और 13 फीमेल के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके बाद आप नीचे आती हैं तो यहाँ पे फर्दन तमाम मजामीन के नाम आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, बायोलॉजी है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक है, इंग्लिश है, एजुकेशन है, इस्लामियात है, जर्नलिज्म है, मैथमेटिक्स है, पाक स्टडी है, ये काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर कैटेगरी नज़र आ रही हैं। 30 मुख्तलिफ सब्जेक्ट के अंदर ये जॉब हैं, काफ़ी लंबी इनकी तफसील है, ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आपको तफसीला से यहाँ पे आपको आगाह कर दिया है, टोटल जॉब्स कितनी है वो आपको यहाँ पे बता दिया गया है, और उसके बाद मेल के लिए कितनी जॉब हैं उसके बारे में आपको बता दिया गया है, और फीमेल के लिए कितनी जॉब हैं वो भी आपको बता दिया गया है। तो आपने एक मरतबा इस वेबसाइट का विज़िट कर लेना है ताकि आपके लिए बाद में कोई मुश्किल खड़ी ना हो, आप ईज़िली आसानी के साथ अप्लाई कर पाएँ।
یہ آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کا اشتہار بھی دیا ہوا ہے، اس کے اوپر تمام تر تفصیلات لکھی ہوئی ہے، اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو آپ اس ویب سائٹ کے اوپر آنے کے بعد ایزیلی اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو؟ اب دوستوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اپلائی کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ کار ہے، یہاں پہ دوستو آپ کو لنک دیا ہوا ہے نیچے، تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ جیسے دوستو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی پنجاب پبلک سروس کمیشن کی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ تو جتنی بھی جاب کے بارے میں پیچھے میں آپ کو بتا رہا تھا ان کی ڈیٹیل آپ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ تو کسی بھی جاب کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ نے سمپل اس کے اوپر کلک کرنا ہوگا اور آپ کے سامنے فارم اوپن ہو جائے گا۔ آپ نے مکمل طور پہ فارم کو پر کرنا ہوگا اور آپ نے سبمٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ مکمل ڈیٹیل اپلائی کرنے کی یہاں اشتہار کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے، ایڈورٹائزمنٹ کے اشتہار کے اوپر۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا اس ویب سائٹ کا، تو آپ نے لنک اوپن کرنے کے بعد اس ویب سائٹ کا ایک مرتبہ وزٹ کر لینا ہے، کیونکہ دوستوں میں نے آپ کو بتایا ہے ان جابس کی تفصیلات مکمل طور پہ آپ کو یہاں پہ اس ویب سائٹ کے اوپر دی گئی ہے۔ تو اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبر کے ساتھ ان جابس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ سوشل میڈیا کے آئیکن آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ کسی کے اوپر بھی کلک کرنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبر کے ساتھ ان جابس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ ابھی 4 دن آپ کے پاس باقی ہیں، 4 دن کے بعد اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ کلوز ہو جائے گی، ابھی اس کی رجسٹریشن جاری ہے۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ ان جابس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے دوسرے جو آپ کے فیملی ممبر ہیں ان کے ساتھ، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں اپلائی کریں۔ دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس طرح کے مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔